पहला सैमुएल तीसवां बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालीकियों ने जनूबी हिस्सा और सिखलाज पर चढ़ाई करके सिखलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे, तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज्रेली अखीनोआम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, और दाऊद ने अखीमलक के बेटे अबियातिर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहां मेरे पास ले आ। सवाबी यातिर अफूद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसोर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे, पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि वो 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर की नदी के पार ना जा सके पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को दिया, और उन्होंने इंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के दो खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहां का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूं, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। और हमने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालिब के जनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत सारे माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालीकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया।
और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छूटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया, और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हांक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसोर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैरवाफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे, सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ए मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावन ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया, और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है, दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इसराइल के लिए यही कानून और आयन मुकरर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाज में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ कुछ भेजा, और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है, ये उनके पास जो बैतल में और उनके पास जो रामातुल जनूब में और उनके पास जो येतिर में और उनके पास जो अरोएर में और उनके पास जो सिर्फ मौत में और उनके पास जो अस्तमोआ में और उनके पास जो रेकल में और उनके पास जो यरहमेलियों के शहरों में और उनके पास जो केनियों के शहरों में और उनके पास जो हुरमा में और उनके पास जो कुरसान में और उनके पास जो अताक में और उनके पास जो हेब्रोन में थे और उन सब जगहों में जहां जहां दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे भेजा।